बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान अल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विटाइटेनियम थिंकिंग। आज हम बात करेंगे हुआई यूनिवर्सिटी के सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में, यूएससी स्कॉलरशिप के बारे में। सीएससी गाइड ऑफिशियल आपने गूगल में टाइप करना है और पहले लिंक पर कर देना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे मेरी वेबसाइट csgaidofficials.com। ओके, यह है जी इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और यह है इसकी सीएससी स्कॉलरशिप। पहले हम बात करेंगे सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स है, वो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या सीन है। तो सारी चीज़ें जो है इसी में डिस्कस करते हैं। ये सारी डिटेल आपने पढ़ लेनी है हुआई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अभी हम बाद में बात करेंगे उस पर, पहले हम सीएससी पे बात करते हैं। मास्टर और पीएचडी वालों के लिए स्कॉलरशिप है, 3000 आरएमई मास्टर वालों के लिए और 3500 आरएमई पीएचडी वालों के लिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। 30 अप्रैल जो है हर साल इसकी लास्ट डेट होती है। हम ऑनलाइन पोर्टल पर भी चलेंगे कि इनका क्या सीन है। रिजल्ट आपने चेक करना है 2020 के कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे वो भी आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं आप, 40 साल एज लिमिट, 35 साल मास्टर वालों के लिए और 40 साल पीएचडी वालों के लिए। इंग्लिश प्रोफिशन सर्टिफिकेट काफी है, डोंट वरी अबाउट आइट्स। हाउ टू अप्लाई फॉर सीएससी स्कॉलरशिप, हवाई यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ठीक हो गया। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी। 400 आरएमबी एप्लीकेशन फीस है, पहले इसकी 200 आरएमबी थी, लास्ट ईयर से इनकी 400 आरएमबी कर दी है। यहाँ पे आपने क्लिक करके सीएससी पे अप्लाई करना है और इधर आपने क्लिक करके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है। हम जाते भी हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अभी। अच्छा, इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। पहले सीएससी का फॉर्म हो गया, यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो गया, डिग्री हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट अगर तो वहाँ पे अपलोड ऑप्शन है तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दें। मैं अभी बताता हूँ आपको अगर अपलोड करने हैं या नहीं करने। अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मीन्स के हाँ बैचलर की के लिए हो गया, जो आपका बैचलर होगा वो वाला अंडर ग्रेजुएट का डिप्लोमा होगा। सॉरी, अंडर ग्रेजुएट आपका वो बनेगा, आपका एफएससी बनेगी। मैं आपको अभी बताता हूँ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जब जाएंगे वहाँ पे अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये एमए लिखा होता है। मोस्ट रिसेंट वीजा, रेजिडेंस परमिट, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कॉपी, इकोनॉमिक प्रूफ सर्टिफिकेट। इकोनॉमिक प्रूफ सर्टिफिकेट ये क्या बला है, इस पर हम डिस्कस करते हैं अभी। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, एक्सेप्टेंस लेटर नॉट मैंडेटरी। ओके, अच्छा इकोनॉमिक प्रूफ ये है सैंपल इसका, इकोनॉमिक प्रूफ का, प्रूफ का मीन कि अगर आपके पास ये नहीं है तो खुद भी आप बना सकते हैं। सिर्फ उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए ये आपने बनाना है कि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये अगर आपका कोई दोस्त कहीं पे भी, भाई भाई सॉरी दो भाई बहन वालद वालदा कोई भी कहीं पे जॉब करता है या कहीं पे कोई आपका भाई इंटर्नशिप करता है या जो भी, उसी हिसाब से आपने सर्टिफिकेट बना लेना है। दिस सर्टिफिकेट सर्टिफाइड दैट दैट इमरान खान वर्किंग एज, जो भी आपका जो नेम होगा, जो जो बंदा वर्क कर रहा होगा, अपना नेम नहीं लिखना आपने, वर्किंग एज ए क्लर्क इन ए बी सी फ्लाम मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट या जो जो भी है, इज ड्राइंग इज मंथली मंथली सैलरी विज जो भी है वो आपने मंथली सैलरी आर एस 25,000 है, 30,000 है, 40,000 जो भी है, इतनी भी है लिख देनी है। 20-25-30,000 35,000 तक 40,000 तक हो वो कोई मसला नहीं है, 15,000 भी कोई इशू नहीं, जितनी भी है वो आपने लिख देनी है एज पर एस ए पी सिस्टम। सेम टू सेम यही यूज़ करना है और यहाँ पे उस डिपार्टमेंट की जो है या उस इदारे की जो है आपने यहाँ पे उसका नेम लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे उस बंदे का नेम और एजुकेशन जो ऑफिस है उसमें जो है उस एजुकेशन ऑफिस का नेम लिख देना है जिसमें वो काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसके डेजिग्नेशन आएगा सीईओ ऑफिस ऑफिसर या जो भी है, ठीक है। उसके बाद इमरान खान जो आपका नेम होगा उस बंदे का वो लिख देना है, एजुकेशन ऑफिस जो है वो लिख के नीचे साइन कर देने उस बंदे के। इस तरह आपने ये फॉर्मेलिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये बंदा ठीक बता रहा है या नहीं बता रहा, या ये अगर हम ऐसे ना बनाएं कोई और तरीके से बनाएं ये वो, तो वो भी अगर आपके पास सैलरी प्रूफ है, जो आपका है, आपका वालद है, वालदा है, बहन भाई जिनका भी है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई मसला नहीं है, जो मर्जी डिपार्टमेंट हो कोई इशू नहीं है, ठीक है, जिसका भी हो वो आपने उनका बना के अपलोड कर देना है। जस्ट फॉर्मेलिटी है, मैंने यूज़ किया था ये सेम टू सेम एज इट इज़, नेम चेंज था और थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट का चेंज था, ठीक है, जहाँ पे एबीसी लिखा हुआ है बस यही। तो मेरा एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे हुआ था, मैंने अप्लाई भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए ही किया था। तो आप भी आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है, और दोस्तों को भी मैंने गाइड किया था, उनका भी जो एडमिशन हो गया था कोई मसला नहीं बना था। ये इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपने इनकम सर्टिफिकेट के, भाई कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो कर लें। अगर आपके पास कोई सैलरी प्रूफ है जो होता है वो आप उनको अपलोड कर दें, कोई इशू भी नहीं है, ठीक है। स्कॉलरशिप वालों के लिए कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है। ओके, हो गया। अब हम आते हैं इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी डिटेल आपने पढ़ ली है। हवाई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है मास्टर बैचलर और पीएचडी वालों के लिए, 1700 आरएमबी जो है ये बैचलर वालों के लिए इतनी खास होती कोई नहीं है, ठीक है। 1700 आरएमबी मास्टर वालों के लिए, 2000 आरएमबी जो है पीएचडी वालों के लिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। 30 मई जो है इसकी लास्ट डेट है।
सारे इंटरेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट आप देख सकते हैं, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ओके, और इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, पहले इसमें सीएससी का फॉर्म फिल नहीं करना। अगर आपने यूएससी स्कॉलरशिप के लिए, सिर्फ यूएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपने जस्ट यूएससी का फॉर्म फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके बाद 400 RMB एप्लीकेशन फी पे करनी है बस। जब फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद ऑप्शन एक आएगा नीड टू पे, अब नीड टू अपलोड एप्लीकेशन रिसिप्ट, वो आपने एप्लीकेशन रिसिप्ट आपने अपलोड करनी है। हो सकता है वो आपको फॉरन दे दें ऑप्शन, या फिर एवेल्युएशन के बाद, मीन के इनिशियल रिव्यू क्लियर करने के बाद, आई थिंक होता फौरन ही है उस, जब आपको कहेंगे कि अपलोड द फी, तो वहां पे आपको फिर फी की डिटेल भी, बैंक की डिटेल भी वहीं पे ऑनलाइन पोर्टल पे ही प्रोवाइड कर देंगे, ये बैंक डिटेल है, इसमें आप 400 फी डिपॉजिट करवाएं, और उस डिपॉजिट फी का जो स्लिप है वो आप अपलोड कर दें, ऐसे आपने अपलोड करना होगी। ओके हो गया, फॉर्म कैसे फिल करना है ये आप देख सकते हैं, अभी हम ऑनलाइन पोर्टल पर चलते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म, सीएससी का फॉर्म तो फिल नहीं करना, ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सेम है, सिर्फ सीएससी के फॉर्म का फर्क है बस। सीएससी का फॉर्म यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है, तो जो है नहीं करना सीएससी का फॉर्म अपलोड, ठीक है। अब इसका होगा क्या, अगर आप कहते हैं कि मैं सीएससी के लिए यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, क्या मुझे यूएससी स्कॉलरशिप मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया था और आपका सीएससी में मेरिट नहीं बना, या उन्होंने सीएससी के लिए आपकी सिलेक्शन नहीं की, तो आपको फिर ऑटोमेटिकली जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर देंगे, अगर उन्होंने करनी हुई तो। मीन्स कि ये नहीं कि अगर आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया है तो यूनिवर्सिटी के लिए भी आप यहाँ इसी यूनिवर्सिटी में अलग से अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको या सीएससी पे अप्लाई करना होगा या यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना होगा। अगर आप कहते हैं कि सीएससी के लिए आपने 3 और यूनिवर्सिटीज मुख्तस कर रखी हैं और इसमें आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, सीएससी के लिए इधर ही अप्लाई करता हूं, अगर सीएससी के लिए ना मिली तो ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मुझे दे देंगे, तो ऐसा भी होता है, कोई मसला नहीं है। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, ठीक है। मैं लॉग इन करके, अभी आप, मैंने लॉग इन कर लिया यहाँ पे, ठीक हो गया। ये admission.hhu.edu.cn ये आएगा लिंक, इस पे आपने अकाउंट बनाना है, साइन अप करके यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसके लिए ये था, तो ये अब एप्लीकेशन फील्ड इन मींस के पूरा नहीं किया था और एप्लीकेशन वाज एक्स हैज बी हैज एक्सपायर्ड, ये भी हो गया। एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना, आई हैव रीड द एग्रीमेंट, और यहाँ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है और यूएससी स्कॉलरशिप है, ये इनकी IAHR स्कॉलरशिप भी होती है, ये इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, लास्ट टाइम आई थिंक बनाई थी मैंने, इसका अलग हिसाब किताब होता है। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपने इन दो को फोकस करना है ज़्यादातर। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, अब डॉक्टरल सेलेक्ट करता हूँ, ओके। यहाँ पे मेजर का कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि कौन से मेजर को स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोलिक यहाँ पे, ये वो सिविल इंजीनियरिंग इसमें होते हैं, सोशियोलॉजी ये वाला डिपार्टमेंट भी आई थिंक है, तो ऑफ श्योर वाटर एंड उसके इस पे इस हिसाब से भी है। अच्छा, जो भी है बस आपने अप्लाई कर देना, अगर करना है तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये इसको स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे, इसको नहीं करेंगे, खुद ही उनके हिसाब से तो हो। अच्छा, होम पे आ जाता हूँ मैं, अप्लाई पे क्लिक करके होम पे आ जाता हूँ। सिर्फ मैं आपको ये दिखाता हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। आपने एप्लीकेशन आपने डिलीट करनी है, गलत मेजर सेलेक्ट कर लिया तो डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट करनी है एडिट भी कर सकते हैं। मैम एडिट मीन्स के जहाँ पे आपने फॉर्म छोड़ा था सेव करके, वहाँ से आप कर सकते हैं, और व्यू पे मैं कर देता हूँ क्लिक। जैसे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। पासपोर्ट कॉपी, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, मास्टर का डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट अब आपका बनेगा आपकी बैचलर, ठीक है। मींस कि अगर तो आप अप्लाई कर रहे हैं बैचलर के लिए, ठीक है, तो आपका, सॉरी बैचलर के लिए कह रहा हूँ, मास्टर के लिए, एमफिल के लिए, तो आपका अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा BS की आपकी बनेगी, ठीक है। अच्छा, मास्टर का डिप्लोमा आपकी एमफिल बनेगी, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डिप्लोमा, ठीक है। और अच्छा, मास्टर डिप्लोमा ये दो गलती से उनसे उनसे लिखे गए हैं आई थिंक, यहाँ पे मास्टर का डिप्लोमा था, ये मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर डिप्लोमा, मास्टर ट्रांसक्रिप्ट, ठीक हो गया। अभी मैं आपको ये डॉक्टर के लिए सिलेक्ट किया है ना, मैं आपको मास्टर के लिए भी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अच्छा, मोस्ट रीजन वीज़ा रेजिडेंस परमिट इन चाइना, अगर तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे अपलोड शो हो रहा हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पासपोर्ट की कॉपी जो है अपलोड कर देनी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास रेजिडेंट परमिट तो होगा नहीं, ना ही आप चाइना गए हैं, इस वजह से यहाँ पे, और कंपलसरी का ऑप्शन भी आई थिंक ये होगा, मुझे जहाँ तक याद आता है। अगर तो कंपलसरी ना हो फिर तो ठीक है, अगर है तो फिर आपने पासपोर्ट की फोटो जो कॉपी होगी, होम पेज जो होगा, वो आपने यहीं पर अपलोड करना है, जो यहाँ पर अपलोड करेंगे सेम वही वहाँ यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, क्योंकि ये लाजमी ऑप्शन इसलिए होता है क्योंकि चाइना में भी लड़के अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से वो लाजमी कर देते हैं, तो लाजमी जब उनके लिए करते हैं तो बाहर वालों के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ ना कुछ अपलोड करना होता है, तो जब तक कुछ नहीं अपलोड
करेंगे तो आगे फॉर्म ये नहीं जाएगा, तो वो फिर आपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड कर देनी है। स्टडी प्लान ये मैंने पूछा था प्रोफेसर से, पूछा था जब मैं अप्लाई करने लगा था लास्ट में टाइम, मैंने वीडियो भी बनाई थी आई थिंक, दोस्तों ने काफी फॉलो भी किया था इसे के, और इसी को फॉलो करते हुए मेरा एडमिशन तो हुआ था 2020 की बात कर रहा हूँ, 2021 सितंबर में जिनका एडमिशन हुआ था उन्होंने भी यही वीडियो फॉलो की थी। मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने अप्लाई किया था फॉलो करके वीडियोज को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपना कोई मैं फने खा बन रहा हूँ या इस तरह कोई सीन, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो फिर क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स लास्ट टाइम भी हुए हैं। ओके, मैं खुद हुआ था, बाकी क्या बात करनी है। स्टडी प्लान रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, और अगर स्टडी प्लान की अगर रिसर्च प्रपोजल है तो वो यहाँ पे अपलोड करने कोई इशू नहीं। हेल्थ हेल्थ रिपोर्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इकोनॉमिक प्रूफ जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाला कहाँ पे गया है जो भी था मैंने अभी, हाँ ये ठीक है, ये नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट कार्ड, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थीसिस जो भी आपके पास है अगर ये लाजमी है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। साइंड पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सनल कमिटमेंट, ठीक है, पर्सनल कमिटमेंट आपके पास अब ये लाजमी होगी आई थिंक। हाँ, बस आपने ये बता देना है कि मैंने कोई और स्कॉलरशिप हासिल नहीं की हुई, बस मैं इसी में ही अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये वो बस ये आपकी पर्सनल कमिटमेंट बन जाएगी, खुद से ही दो तीन चार लाइनों की आप लिख लीजिएगा, ठीक है, तो ये पर्सनल कमिटमेंट बन जाएगी आपकी, क्योंकि लड़के स्कॉलरशिप लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं छोड़ देते नहीं, स्कॉलरशिप होती है ऑलरेडी तो फिर दोबारा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अब आपसे पूछते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप है तो फिर ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो आप दूसरे के लिए अप्लाई कर रहे हैं और स्कॉलरशिप के लिए, तो फिर भी आप उनको बता सकते हैं जो भी आपकी कंडीशन हो। अब आप आते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है, एप्लीकेशन पे दोबारा मैं मास्टर वालों के लिए जो है सिलेक्ट करना चाहता हूँ, कुछ मास्टर के लिए इनको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, इन दोनों को मैं कर देता हूँ डिलीट, ये ओल्ड है चलो ये खड़ी रहे, मैं हवाई यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और बल्कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ही कर देता हूँ, उसके बाद मैं कर देता हूँ मास्टर, ठीक है, और ये है जी कोई मैं मेजर सिलेक्ट कर देता हूँ। अब बैक चला जाता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, हो गया, व्यू पे कर देता हूँ क्लिक, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे कॉपी ऑफ पासपोर्ट अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, अब मैंने मास्टर के लिए अप्लाई किया था तो मुझसे उन्होंने एमफिल की यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगा, ट्रांसक्रिप्ट नहीं मांगा, अंडर ग्रेजुएट का मांगा, अंडर ग्रेजुएट मीन्स की बैचलर आपकी जो बीएस थी उसकी, डिप्लोमा मीन्स डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं। करिकुलम विटाए सीवी मोस्ट रिसेंट वही पासपोर्ट होम पेज यहाँ पे अपलोड करेंगे, स्टडी प्लान रिकमेंडेशन लेटर, हेल्थ इकोनॉमिक प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एब्स्ट्रैक्ट और कंटेंट ऑफ द थीसिस, ओके, उसके बाद साइंड पर्सनल कमिटमेंट, ओके, ये आपने कर लेने हैं यहाँ पे अपलोड और फॉर्म सबमिट यहाँ पे आपका इन प्रोसेस आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो अब मैं अच्छा एक और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का क्या क्या सीन होता है वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ताकि आपके माइंड में किसी किस्म का क्वेश्चन ना रहे कि ये बंदा यहीं छोड़ रहा है, ठीक है। हवाई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए हो गया लगना है, लेकिन हम जो है डॉक्टर के लिए करते हैं, डॉक्टर में सारे मास्टर वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आ जाएंगे इसमें ना, इस वजह से अप्लाई पे करता हूँ क्लिक, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉर्म कैसे फिल करना है, बेसिक सा फॉर्म है सारे का सारा, ठीक है, ये यहाँ पे जो वीडियो बनेगी पुरानी वीडियो होगी उसी को फॉलो करते रहिएगा, सेम टू सेम यही फॉर्म होगा, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने में सेक्शन में जो चीज़ें नई होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जी ऑनलाइन एप्लीकेशन में करता हूँ क्लिक, अभी मैंने किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, अच्छा व्यू पे करता हूँ क्लिक में, जो जो मैंने अभी जनरेट किया है यूनिवर्सिटी फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे कॉपी ऑफ पासपोर्ट अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट डिप्लोमा ये भी डिप्लोमा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आएगा, ये गलती से उन्होंने कर दिया, करिकुलम विटाए और ये सारी चीज़ सेम टू सेम सारी की सारी चीज़ें वही हैं, कोई चीज़ नई नहीं है यहाँ पे जो है, अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको कैसे पता चलेगा मैंने तो सी एस सी के लिए अप्लाई किया है, वो फॉर्म कहाँ पे करना है, ठीक है, उस फॉर्म का यहाँ पे कोई अपलोड का ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं करना उसके लिए, आपको आपने सी एस सी का फॉर्म सबमिट कर देना है, उनको पता चल जाएगा कि आपने फिर सी एस सी का फॉर्म सबमिट किया हुआ है, जो उनकी होती है एजेंसी नंबर के थ्रू आप जब सबमिट करते हैं सी एस सी का फॉर्म तो उनके रिकॉर्ड में चला जाता है कि इस बंदे ने सबमिट किया हुआ है फॉर्म, ओके, हो गया। जब आप यहाँ पे फाइनल से रिसोर्सेज फॉर स्टडी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर आप सी एस सी स्कॉलरशिप के लिए होंगे करेंगे तो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आएगा, अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए करेंगे तो चाइनीज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आएगा, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। अब पर्सनल कमिटमेंट जो है इसमें मैं कोई फॉर्मेट मेरे पास स्पेसिफिक है नहीं,
तो मैं इसका देखूंगा कि इसका मेरे पास अगर फॉर्मेट पड़ा हुआ तो मैं आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन इसका जो है फॉर्मेट, मैंने मुझे खुद भूला हुआ कि मैंने फॉर्मेट यूज़ कौन सा किया था, लेकिन करना यही पड़ता है कि आप उन्हें उनको बताना है कि कोई स्कॉलरशिप वगैरह आपके पास है या नहीं है, ठीक है, या अगर आप कर रहे हैं तो कौन से कर रहे हैं। तो वो मैं आपको जो है इंशाल्लाह बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, किसी मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा इस पे तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।